भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख और समाजवादी पार्टी भिवंडी अध्यक्ष रियाज आजमी ने डीसीपी योगेश चौहान से की मुलाकात। जानकारी अनुसार यह मुलाकात भिवंडी में ड्रग्स और जुए की बढ़ती समस्या को लेकर था, जिससे हर कोई परेशान है। डीसीपी योगेश चौहान ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। इस बार भिवंडी के चंदन बाग स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल द्वारा गणेश भक्तों के लिए केदारनाथ की झांकी का निर्माण किया गया है, जहां इस संस्था के अध्यक्ष साईनाथ पवार पिछले 33 सालों से गणेश भक्तों के लिए विभिन्न तरीके की झांकियों का निर्माण करते आ रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में गणेश भक्त आकर इस झांकियों को देख दर्शन प्राप्त करते हैं। भिवंडी तालुका में मानकोली से चिंचोटी रोड पर गड्ढों को भरने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करने वाला वीडियो हुआ वायरल। वाड़ा भिवंडी रोड पर खुड़ूस के पास बस ने बाइक सवार को मार दी टक्कर। मुंबा देवी के पास मनसे नेता की दबंग गई, बुजुर्ग महिला को जड़ दिया थप्पड़। महिला के मेडिकल के सामने बाहर बैनर लगाने पर हुआ विवाद, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में HDFC बैंक खोलेगी 207 नए ब्रांच, 3000 नए कर्मचारियों की करेगी नियुक्ति। मॉनसून विभाग ने जारी की चेतावनी, मुंबई में अगले 48 घंटे तक रहेगी हल्की बारिश।